अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ लाइव। मैं फरीदा अनमोल, नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म अमरीकी की साजिश की तरह अब मुसलसल अपनी जान को खतरे का बयानिया बना रहे हैं। जान को मुमकिन खतरे से मुतल्लिक अगर ठोस सबूत इमरान नियाज़ी के पास है तो उसे वज़ारत दाखिला से शेयर करें। हुकूमत इमरान नियाज़ी को मुमकिन खतरे से मुतल्लिक मामले की तहकीकात करने के लिए तैयार है। इमरान नियाज़ी चाहे तो खतरे से मुतल्लिक मामले पर जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली पर फौरी तौर पर टास्क फोर्स बना दी गई है। टास्क फोर्स में मुतल्लिका वफाकी वज़रा सेक्रेटरी सूबाई चीफ और मुतल्लिका सेक्रेटरी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टास्क फोर्स मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के इकदाम कम करे। टास्क फोर्स शिशपर ग्लेशियर जैसे वाकयात से मुस्तकबिल में बचाव के इकदाम करे। पानी और गजाई किल्लत से बचने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चोलिस्तान में पानी की किल्लत पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चोलिस्तान में इंसानी बस्ती और जानवरों के लिए फौरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन NDMA को फौरी तौर पर हमजा का दौरा करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार का कहना है कि केस का फैसला देना चाहते हैं, ये अहम मामला है, रात गए तक भी मुकदमा सुनने को तैयार हैं। अदालत रात तक बैठी होती है, ये खिदमत का काम है जो हम करना चाहते हैं। लाहौर पंजाब असम्बली के डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान पंजाब असम्बली के मुताबिक मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन जमानत पर हैं। जमानत पर होने के बावजूद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी एहलकार सुहेल शहजाद को भी गिरफ्तार किया गया है। एहलकार मोहम्मद तैयब उसामा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जराए के मुताबिक पंजाब असम्बली में हमले के मुकदमे में गिरफ्तारियां की जा रही हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।